फ्रेंड, तो कैसे हैं दोस्तों? आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं एनिमेशन फटाका कैसे बनाएं। हालांकि दिवाली भी सामने है, आप सभी तमाम देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो चलिए अभी हम आप सभी को हम बताने वाले हैं पावर पॉइंट में कि हम एनिमेशन फटाका कैसे बनाएंगे। आप सभी को वीडियो में एंड तक बने रहना है, आप सभी को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है? तो चलिए हमको यहाँ पे सर्च पे आना है, हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है पावर पॉइंट। तो यहाँ देखिए इस तरह से शो का, तो यहाँ देखिए पहले से मौजूद है पावर पॉइंट, तो इसमें यहाँ पे क्लिक कर लीजिए इस तरह से। और यहाँ से हमको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पावर पॉइंट का पेज हो गया। हमको यहाँ पे कंट्रोल ए करना है और यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेना है, क्योंकि हमको इसको अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा लेंगे। अब हमको क्या करना है, पहले हमारा जो पेज है उसको हमको यहाँ पे ब्लैक करना है। डिजाइन पे आ जाना है, फॉर्मेट यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड कर लीजिए ब्लैक, ठीक है? अब हमको यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाना है, शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से हम रेक्टेंगल शेप ले लेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से हम यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे, हल्का रखेंगे पतला ही। शेप फिल पे क्लिक करेंगे, गार्डन पे क्लिक करेंगे, बोर गार्डन पे आएंगे और यहाँ इसको हम मिक्सिंग कर लेंगे रन। यह हमारा फोर स्टेप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर है। तो फर्स्ट में यहाँ पर डाल देते हैं हम रेड, सेकेंड डाल देते हैं पीला और सेकेंड में डाल देते हैं येलो और थर्ड में डालते हैं ग्रीन और फोर्थ में डाल देते हैं ब्लू। तो हमारा यहाँ पे चार रंग हो चुका है, हमको इसको मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग हो चुका है गाइस, तो हमको यहाँ पे इस पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ से हमको आ जाना है सेव और टेन पे, और यहाँ से स्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको इस तरह से ये वाला ले लेंगे इफेक्ट, यानी कि आउटलाइन। इस पे क्लिक करेंगे, फिर से हमको आ जाना है सेव आउटलाइन पे और यहाँ से हम डैश पे, और यहाँ से हमको डैश पे क्लिक करना है। यहाँ से हमको इस तरह से कोई भी ले लेते हैं डैश, ठीक है? इस पे क्लिक कर लेंगे, इसका थोड़ा हम यहाँ से वाइट कर लेंगे डैश, इसको थोड़ा सा हम मोटा भी कर सकते हैं हल्का, जो थोड़ा देखने में अच्छा लगे। सो इस प्रकार ये हमारा हो चुका है। हाँ, समझिए कि हमारा यहाँ पे एक जो कि पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हमको यहाँ पे इस शेप में एनिमेशन देना है, तो हमको शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से एनिमेशन पे क्लिक करना है। आ जाना है एड एनिमेशन पे और यहाँ से हमको ले लेना है मोर इंट्रेंस इफेक्ट, यहाँ से हमको फ्लाइंग इन पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। और फिर से हमको आ जाना है शेप पे और देन हमको आ जाना है एड एनिमेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से हमको मोर एक्स्ट्रा इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से डिसेबल और पे क्लिक कर देना है इस तरह से, ओके कर देना है। हमको आ जाना है यहाँ से विथ प्रीव्यू कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो एनिमेशन अभी डाले हैं अभी कितना भी हो चुका है। हमको अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर लेना है, इस प्रकार आएगा, ठीक है? आइए फिर से देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। सो तो इस प्रकार भी दिखा। चलिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, शिफ्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ले लेना है स्टार जो कि 32 पॉइंट्स ले लेना है इस तरह से, ये वाला शेप इस तरह से स्क्रॉल कर देना है, मीडियम में रखना है, इसको इसके ऊपर अटैच कर देना है। देन हमको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको नीचे को स्क्रॉल कर देना है इस तरह से। अब हमको यहाँ पे सेव फिल पे क्लिक करना है, देन हमको आ जाना है गार्डन पे, मोर गार्डन पे और गार्डन फिल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हमारा जो पॉलिश इसमें ऐड था कलर जो कि हम यहाँ पे आ जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हमको फिलहाल नहीं करना है, छोड़ देंगे। हमको फिर से सेव फिल पे क्लिक करना है, गार्डन पे आना है, यहाँ से हमको ले लेना है फ्रॉम सेंटर पे क्लिक कर देना है, ये इफेक्ट इस तरह से हम ले चुके हैं। हमको फिर से आ जाना है सेव और टेन पे, स्ट्रिक पे क्लिक करना है, यहाँ से हम ये इफेक्ट इस तरह से चूज कर लेंगे। फिर से हमको आ जाना है शेप आउटलाइन पे,
डैश पे क्लिक करना है। इस तरह ये इफेक्ट ले लेंगे डैश वाला इफेक्ट। फिर से हमको आ जाना है सेव पोर्ट लाइन पे और यहाँ से हमको व्हाइट वाला इस तरह से ले लेंगे। आपको अगर इस शेप का कुछ कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर रख सकते हैं पीला, देन यहाँ रख सकते हैं आप रेड, लाल, इस तरह से आप रख सकते हैं। और आप यहाँ पे अपने को यहाँ पे डाल सकते हैं कलर, देन हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब हमको यहाँ पे शेप में एनिमेशन डालना है तो शेप पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, देन ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है, मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक करना है और हमको आ जाना है जूम, जूम पे क्लिक करना है इस तरह से, ओके कर देना है। फिर से हमको आ जाना है स्टार्ट वाले पे, इस पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ से हमको विथ प्रीव्यू कर देना है। और हमको फिर से इस शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड एनिमेशन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से मोर एक्स्ट्रा इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से डिसेबल ऑट कर देना है, ओके कर देना है। फिर से हमको आ जाना है यहाँ से विथ प्रीव्यू। सो तो हमारा इस तरह से यहाँ पे सारा जो कि शेप में इफेक्ट आ चुका है। हमको अगर देखना हो तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से समझिए कि पूरा काम हो चुका है। तो हमको यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट शेप है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। अब हमारा जो राउंड वाला शेप है वो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी इस तरह से। इसको हम डाल देंगे नीचे, फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको हम डाल देंगे ऊपर इस प्रकार। फिर से यहाँ से हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको हम नीचे डाल देंगे, फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे अपने को यहाँ पे डाल सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, और आप जहाँ मन तहाँ उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर से आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फिर से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, इसको आप ऊपर रख दीजिए, इसको फिर से डी प्रेस कीजिए, इसको नीचे ले आइए इस प्रकार। और फिर से आप यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, इसको ले आइए आप यहाँ पे। सो ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से अभी हम यहाँ जो कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा जो कि सेट कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सारा शेप का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इस पर शेप पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं रेड, ये ले लेते हैं पीला, इसका जो उससे जो पीछे वाला है कलर उसको यहाँ से हम कर देते हैं पीला, ठीक है। हमको यहाँ पे आना है, इस शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको हम ले लेते हैं ग्रीन यानी कि हरा, उसके जस्ट साइड में ले लेते हैं पीला, उसके जस्ट साइड में रखते हैं हम यहाँ पे ब्लू और यहाँ डाल देते हैं हम यहाँ से रेड। सो दोस्तों हम यहाँ पे हम सारा जो कि एनिमेशन कर चुके हैं, हमको यहाँ पे एक चीज और बच गया है एनिमेशन करने के लिए, वो क्या आप सभी को बताते हैं। आपको यहाँ पे इससे पे क्लिक करना है और यहाँ से हमको कर लेना है आफ्टर प्रीव्यू। फिर इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कर लीजिए आप आफ्टर प्रीव्यू। फिर इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कर लीजिए आप आफ्टर प्रीव्यू। फिर यहाँ क्लिक कर लीजिए आफ्टर प्रीव्यू। फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए आफ्टर प्रीव्यू। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और आफ्टर प्रीव्यू कीजिए इस तरह से, और यहाँ भी क्लिक कीजिए इस तरह से। हम यहाँ पे डाल देते हैं आफ्टर प्रीव्यू। सो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फाइनली यहाँ पे सारा जो कि हमारे यहाँ पे काम क्लियर हो चुका है। हम यहाँ पे एनिमेशन भी कंप्लीट कर दिए हैं, शेप का यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिए हैं, मिक्सिंग कर दिए हैं। देन आप सभी को हम बताने वाले हैं कि इसका रिजल्ट, फाइनली इसका रिजल्ट कैसा दिखता है। तो चलिए आप सभी को हम दिखाने वाले हैं। तो हमको अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लेना है F5, क्लिक कर लेना है इस तरह से।
हो दोस्तों, तो आप भी इस तरह से अपने पावर पॉइंट में एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। हालांकि दिवाली नज़दीक है तो आप भी ट्राई कीजिए, आप लोगों से भी हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप सभी को बता दें कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, आप सभी कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।